मैं कारपेंटर सुहैल खान स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हम आपको आज बताने वाले हैं कि फ्लश डोर को सेट कैसे किया जाता है, फिर इस पर वीनियर कैसे लगता है, ये हम आपको रख के दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमने दरवाज़ा सेट कर दिया है। अब इसको निकाल के वीनियर लगाना शुरू करते हैं। इस पर दोस्तों, दरवाजे को सेट करते टाइम हमको ये देखना है कि बाजू हमारा सीधा है टेढ़ा है। अगर कोई दिक्कत है तो इसको यहाँ कहीं ठीक किया जाता है रंदा मार के। जैसे अगर कोई परेशानी है इसमें, पता हम सही नहीं है, टेढ़ा है, सब कुछ सही करके तब हम आगे काम शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये जो हमने दर्श लगाई है, इस निशान का मतलब है कि कब्जे हमने इसी साइड लेने हैं। तो दोस्तों, हमने ये वीनियर लगाना शुरू किया है। इसके हमने तीन पार्ट बनाए हैं, दो हिस्सा इधर, एक हिस्सा उधर। उधर लंबी पट्टी ली है और इधर जो पीस ग्रुप दे दे के उतना ही वीनियर का ग्रुप दिया है जितना वीनियर की मोटाई है। अब हम इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं, फिनिश करके कि देखने के बाद कैसा लगता है। बने रहिए हमारे साथ। और इसमें थोड़ा फिनिश जो है, रंदा का काम बहुत ज़रूरी है। जैसे हम चीरते हैं, चीरने के बाद रंदा ज़रूर मारना चाहिए ताकि कोई भी उखड़न, कोई भी दिक्कत सामने ना आए। तो दोस्तों, हमने इसके चारों तरफ रंदा मार के और रेगमाल मार के फिनिश कर दिया है। अब इसमें फेविकॉल लगा के हम ऐसे करके फैला के इसको और फिर किलो से पक्का करते हैं। हमने इस पर लगा दिया है। अब हम पल्ले पे भी लगा देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत हमारे सामने ना आए आगे आने वाले टाइम में। लग चुका है और हम इस पीस को रख के, और वीनियर की पट्टी दो हमने लेनी है, जितनी हम रखना चाहते हैं इसमें थिकनेस, उतनी ही पट्टी हमने यहाँ लगा दी। ठीक है दोस्तों, एक इधर लगा दी। अब देखो, हमने इसको पूरा प्रेशर दे दिया है इधर को ताकि हमारे गैप में कोई दिक्कत नहीं आए। उतना ही ग्रुप बनेगा जितना हम चाहते हैं। जैसा हमारा आगे से नज़र आ रहा है वैसा ही हमारा यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कीलों से पक्का कर देते हैं। कील कम से कम 4-4 इंच की दूरी पर लगानी है ताकि कभी भी वीनियर ऊपर ना उठे हमारा ये। दोस्तों, हम ये लास्ट पीस लगा रहे हैं, उसके बाद आपको फिनिश करके दिखाएंगे हमारा दरवाज़ा कैसा लगता है। तो दोस्तों, हमारा ये दरवाज़ा तैयार हो चुका है और देखिए आपको इसका ग्रुप बिल्कुल बराबर नज़र आता है, क्योंकि हमने जो पट्टी रखी है ना, उससे क्या है, हमारा पूरा एक जैसा ग्रुप नज़र आएगा। बाकी पॉलिश होने के बाद इसकी जो चमक है वो कुछ अलग ही नज़र आएगी। बताने वाले हैं कि जो हमने वीनियर लगाया है, इस वीनियर को लगाने के लिए हम फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं। उस फेविकॉल के साथ साथ इसके अंदर एक पॉइंट निकलते हैं, इस पॉइंट आपको बहुत कुछ दिला सकते हैं। आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको अपना गिफ्ट वगैरह सब कुछ इनाम मिल सके। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आने वाली पहली वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी।